आज हम बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल मेथड्स की। एक्सेस कंट्रोल मेथड इज वन ऑफ द फंक्शनैलिटी दैट इज परफॉर्म्ड बाय द डेटा लिंक लेयर। हमारे पास हमने जो पिछली वीडियोस में कुछ फंक्शनैलिटीज पढ़ी है डेटा लिंक लेयर की, जैसे कि हमने फ्रेमिंग पढ़ा है, फिजिकल एड्रेसिंग पढ़ा है, हमने फ्लो कंट्रोल पढ़ा है, एरर कंट्रोल पढ़ा है, सो वो सभी फंक्शनैलिटीज हमने डेटा लिंक लेयर की थी। ऐसे ही एक्सेस कंट्रोल इज ऑल्सो द फंक्शनैलिटी ऑफ माई डेटा लिंक लेयर। अब जो मेरे पास जो डेटा लिंक लेयर है, ये मेरे पास एक डेटा लिंक लेयर है। इस डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज डाटा लिंक कंट्रोल, दैट इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एंड सेकंड वन इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दैट इज द मैट्रिक्स सब लेयर। सो मेरे पास जो डाटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटीज है, जैसे कि हमारे पास फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, फ्रेमिंग है, एंड फिजिकल एड्रेसिंग है। सो दीज टू फंक्शनैलिटीज आर टेकन केयर बाई दिस सब लेयर, एंड दीज थ्री फंक्शनैलिटीज आर टेकन केयर बाई द मैक सब लेयर। ओके, सो इसमें जो एक्सेस कंट्रोल फंक्शनैलिटीज है, ये की जाती है बाई द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर के थ्रू। ओके, अब ये एक्सेस कंट्रोल बेसिकली है क्या? एक्सेस कंट्रोल इज लाइक, मेरे पास दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक होते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक, एंड सेकंड वन इज ब्रॉडकास्ट लिंक्स, ठीक है। सो मेरे पास जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस वन, देयर आर टू डिवाइसेस ए एंड बी, एंड दिस इज द पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो यहाँ पर तो अगर ये मेरे पास ये जो मीडियम है इन दोनों के बीच में, ये केवल इन दोनों के बीच में शेयर्ड है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं डेटा एक दूसरे के साथ, ठीक है। बट इफ इन केस मेरे पास ब्रॉडकास्ट लिंक है, दैट इज द शेयर्ड मीडियम, शेयर्ड लिंक है, सो उस केस में क्या होगा मेरे पास? उस केस में लेट्स से दिस इज अ कॉमन मीडियम एंड देयर आर फ्यू डिवाइसेस, लेट्स से दिस इज डिवाइस ए, दिस इज डिवाइस बी, एंड दिस इज डिवाइस सी, दिस इज डिवाइस डी, एंड दिस इज डिवाइस ई। So, पांच डिवाइसेस के बीच में ये कॉमन मीडियम है, दैट इज शेयर्ड बिटवीन दीज फाइव डिवाइसेस। अब इसके केस में अगर मैं कहूं ए ने भी डेटा सेंड किया और बी ने भी, या ई ने भी डेटा सेंड कर दिया अपना सेम टाइम पे, या फिर मैं कहता हूं कि डी ने भी सेंड कर दिया, दैट मींस मोर देन वन डिवाइसेस अगर सेम टाइम पे डेटा सेंड कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा? ये जो डेटा आ रहा है कहीं ना कहीं किसी भी टाइम किसी भी मोमेंट पर जाकर के कोलाइड करेगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि जो शेयर्ड मीडियम है इसमें डेटा जो है दोनों तरफ फ्लो होगा, ठीक है। सो इसमें ये कोलाइड करेगा, और जब ये डेटा कोलाइड करेगा तो माइट भी मेरे पास डेटा लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि ये जो मीडियम है मेरे पास, ये जो कम्युनिकेशन मीडियम है, शेयर्ड मीडियम है, इस पे मुझे एनी हाउ ये कंट्रोल करना है कि इस मीडियम को एक टाइम पे कोई एक ही डिवाइस यूज करे, या एक ही डिवाइस इस पे डेटा सेंड करे, ठीक है, या फिर अगर मोर देन वन डिवाइसेस डेटा सेंड कर रहे हैं एट द सेम टाइम, सो कोलिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई नीड टू मेंटेन सम काइंड ऑफ रूल्स जिससे कि वो कोलिजन ना हो मेरा इस केस के शेयर्ड मीडियम के केस में, ठीक है। सो दिस मेथड्स और प्रोटोकॉल्स इज नोन एज द एक्सेस कंट्रोल मेथड्स और एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। अब जो हमारे पास मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स एक्चुअली एनी प्रोटोकॉल्स की बात करता है। सो इसमें मेरे पास तीन कैटेगरी है, वन इज रैंडम एक्सेस, सेकंड वन इज कंट्रोल्ड एक्सेस, एंड थर्ड वन इज जनरलाइजेशन। एंड अगेन रैंडम एक्सेस हैज ए फोर कैटेगरी, अलोहा, सीएसएमए, सीएसएमए सीडी, सीएसएमए सीए, एंड कंट्रोल्ड एक्सेस रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग, जनरलाइजेशन एफडीएमए, टीडीएमए, एंड सीडीएमए। इसमें सबसे पहले हम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल ये कहता है कि लेट्स से मेरे पास ये एक शेयर्ड मीडियम है, जिस पे यहाँ पर ये एक डिवाइस है, यहाँ पर ये एक डिवाइस बी है, यहाँ पर ये एक डिवाइस सी है, और यहाँ पर ये डी है और ये ई है, ठीक है। रैंडम एक्सेस, जैसे नाम से हमें समझ आता है कि कोई भी डिवाइस जो है वो कभी भी रैंडमली डेटा सेंड करना स्टार्ट कर सकती है। कोई भी किसी एक दूसरे से, कोई किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे से पूछ नहीं रहा है, कोई किसी का सुपीरियर नहीं है, कोई किसी का जूनियर नहीं है, कोई किसी का हेड नहीं है, जिसका जब मन कर रहा है वो अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। माइट बी एक बजे डेटा सेंड करना एट द 1 PM, एट 1 PM ए ने डेटा सेंड करना स्टार्ट किया, एट 1 PM माइट बी सी भी डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, माइट बी ई भी डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो दिस वन इज कि यहां पर कोई भी किसी का सुपीरियर या जूनियर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर भी, ठीक है। सो यहां पर ये बेसिकली क्या है, यहां पर कोई रूल नहीं है, या फिर मैं कहूं कि कोई भी टाइम शेड्यूल नहीं है, ऐसा कोई टाइम शेड्यूल नहीं है कि एक 1 PM पे ए सेंड करेगा और 2 PM पे जो है बी सेंड करेगा, ताकि कोलिजन ना हो। सो नो शेड्यूल्ड टाइम इज देयर, नो शेड्यूल्ड टाइम फॉर स्टेशन टू सेंड द डेटा, फॉर स्टेशन टू सेंड द डेटा। कोई रूल नहीं है, कोई रूल्स डिफाइन नहीं है कि कौन कब डेटा सेंड करेगा, ठीक है। नो रूल्स आर स्पेसिफाइड इन केस ऑफ दिस वन, नो रूल्स आर स्पेसिफाइड टू सेंड द डेटा, ठीक है, स्पेसिफाइड, ओके। तो दीज टू आर द केसेस विद दिस रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। अब इसमें जो हमारे पास ये चार प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स बेसिकली किसी भी डिवाइस के साथ कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ इन केस
जो मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं किसी भी एक शेयर्ड मीडियम पे, सो जो शेयर्ड मीडियम है वो किसी भी डिवाइसेस को कब एक्सेस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, जिसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं चार प्रोटोकॉल की, ये जो मीडियम है ये किसी भी डिवाइस को कब एक्सेस होगा, कब वो डिवाइस डाटा सेंड कर सकती है, करना स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ इन केस किसी एक डिवाइस ने जो डेटा, जिसको डेटा सेंड करना है, अगर वो देखता है कि चैनल बिजी है तो उस केस में ये क्या करे, ये डिवाइस, अगर कोई डिवाइस है जिसको डेटा सेंड करना है, उसने देखा चैनल तो बिजी है, तो वो डिवाइस उस केस में क्या करे। एंड थर्ड क्वेश्चन ही कि अगर किसी डिवाइस ने डेटा सेंड कर भी दिया है शेयर मीडियम पे, जब उसको एक्सेस मिला उसने अपना डेटा सेंड कर दिया, सो वो डिवाइस जो है वो कैसे गारंटी करे इस थर्ड क्वेश्चन में कि उसने जो डेटा सेंड किया है क्या वो रिसीव हुआ है रिसीवर साइड पर सक्सेसफुली कि नहीं हुआ है। ठीक है, और या फिर जो उसने डेटा सेंड किया है क्या उस वो डेटा कोलाइड कर गया, और अगर कोलाइड कर गया है किसी के साथ, कोलिजन हो गया उस डेटा का किसी और डिवाइस के डेटा के साथ, तो उस केस में ये डिवाइस क्या करे। ठीक है, सो ये चार क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर है, हमारे पास ये चार प्रोटोकॉल्स। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज द कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, जैसे कि नाम से मुझे समझ आता है देयर इज अ कंट्रोल्ड एक्सेस, दैट मींस ऐसा नहीं है कोई भी रैंडमली उठा के डेटा सेंड करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर मेरे पास जितनी भी डिवाइसेज मेरे पास शेयर्ड मीडियम पर है, सो कोई भी किसी का माई बाप नहीं है, कोई भी किसी ने क्या, दिस इज समथिंग लाइक घर में अगर पांच लोग हैं तो पांचों के पांचों अपने आप डिसीजन ले रहे हैं, अपने आप जो मर्जी कर रहे हैं, कोई भी घर में हमारा एक सीनियर होना चाहिए ना, एक मुखिया जिसको हम बोलते हैं, सो कोई कंट्रोल नहीं किसी का दूसरे के ऊपर, कोई कंट्रोल नहीं है। बट इन केस ऑफ दिस वन कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल क्या कहता है कि अगर मेरे पास मीडियम पर पांच डिवाइसेज हैं तो पांचों डिवाइसेज एक दूसरे से कंसल्ट करके ये डिसाइड करते हैं कि कौन नेक्स्ट डेटा सेंड करेगा। ठीक है, सो देयर इज अ डिस्कशन कंसल्टेशन बिटवीन द डिवाइसेज, कंसल्टेशन बिटवीन द डिवाइसेज, बिटवीन द डिवाइसेज ऑन द शेयर्ड मीडियम। ओके, एंड कोई भी डिवाइस अगर बी को डेटा सेंड करना है तो वो विदाउट द ऑथोराइजेशन ऑफ ए सी डी ई एंड ए सी डी ई के दूसरी डिवाइसेस जो उस मीडियम पर है उनके ऑथोराइजेशन के बिना ये डेटा सेंड नहीं कर सकता कोई भी एक डिवाइस। ठीक है, सो इसके अंदर भी हमारे पास तीन कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, पोलिंग है, टोकन पासिंग है। नेक्स्ट वीडियो फर्दर वीडियोस में हम इन सभी को डिस्कस करेंगे, रिजर्वेशन को, पोलिंग को, टोकन पासिंग को, इनफैक्ट सभी को करेंगे। एंड द लास्ट वन इज चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल क्या कहता है कि इसमें जो मेरे चैनल की बैंडविड्थ है, जो मेरे पास शेयर्ड मीडियम है ये, ठीक है, इसकी जो बैंडविड्थ है उसको मैंने टाइम में और फ्रीक्वेंसी में और चैनल उस कोड्स में उसमें डिवाइड किया हुआ है। दिस इज समथिंग लाइक अगर मैं एफडीएमए की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एफडीएमए, एफडीएमए उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे पास ये पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड है मेरा पूरा का पूरा, अगर मेरे पास वहां पर लेट्स से फोर चैनल्स है या फोर डिवाइसेस है जिनको इस मीडियम पे सेंड करना है, सो उसने इसके फ्रीक्वेंसी बैंड को चार बैंड्स में डिवाइड कर दिया है और चारों डिवाइस को 1 2 3 4 चारों डिवाइसेस को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट कर दिए और वो सभी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस समथिंग लाइक स्टैटिक एलोकेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज टीडीएमए। टीडीएमए के केस में वो क्या कहते हैं, उन्होंने टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दिए, टाइम स्लॉट्स इन द सेंस लाइक कि यहां से यहां तक अगर दिस इज द टाइम फ्रेम, यहां पर सी दिस इज लाइक इफ दिस इज 12 PM, दिस इज 1 PM, दिस इज 2 PM, दिस इज 3 PM एंड दिस इज लाइक 4 PM की 12 से 1 के बीच में कोई भी ए डिवाइस डाटा सेंड करेगी, 1 से 2 के बीच में बी डिवाइस सेंड करेगी, 2 से 3 के बीच में सी एंड 3 से 4 के बीच में डी डिवाइस जो है वो डाटा सेंड करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने टाइम स्लॉट्स एलोकेट कर दिए, बट टाइम स्लॉट्स के केस में एक डिसएडवांटेज ये है कि माइट बी 1 से 2 का जो टाइम स्लॉट है वो पूरा का पूरा कि बी जो है एक्सेस कर सकता है इस मीडियम को 2 से 3 बजे के बीच में, सॉरी 1 से 2 बजे के बीच में, बट उस टाइम इस टाइम फ्रेम में बी के पास कोई डाटा ही नहीं है सेंड करने के लिए। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, मेरे पास जो मीडियम होगा वो अनयूज्ड रह जाएगा इस टाइम फ्रेम में। एंड देन द लास्ट वन इज सीडीएमए। सीडीएमए क्या कहता है, सीडीएमए इज समथिंग लाइक कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, दिस वाज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, दिस वाज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यहां पर दिस इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यहां पर मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट यूज किया एक्चुअली में। सो सीडीएमए क्या कहता है, सीडीएमए ये कहता है कि मेरे पास इस मीडियम पे जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सभी की सभी एक साथ डेटा सेंड कर सकती है। ठीक है, बट कैसे, कि किन्हीं भी दो डिवाइस के बीच में जिनमें कम्युनिकेशन होना है, सी से ई लेस से कम्युनिकेशन होना है और डी टू बी कोई कम्युनिकेशन होना है, सो इसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको वो कोड कर देंगे एक डिफरेंट कोड से। ठीक है, लेबलिंग कर देंगे उसकी, इसके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसकी भी लेबलिंग करेंगे डिफरेंट कोड से। इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को, लेट्स से एक रूम है और उस रूम में चार लोग हैं, ठीक है, चार या दस लोग हैं, ठीक है, दस लोग में से मैं कहता हूं दस में से केवल दो लोगों को ही इंग्लिश आती है, दो लोगों को ही चाइनीज आती है और दो लोगों को ही जापानीज आती है,
उन दो से अलग जिनको इंग्लिश आती है बाकी किसी को इंग्लिश नहीं आती। सिमिलरली जिन दो को चाइनीज आती है बाकी किसी को चाइनीज नहीं आती। सो अगर 10 लोग हैं और 10 के 10 आप एक टाइम पर सेम टाइम पे बात कर रहे हैं तो जिनको इंग्लिश समझ आती है दे विल ग्रैब द डेटा, दे विल अंडरस्टैंड द डेटा, बट जो बाकी लोग हैं उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती है। सिमिलरली जो चाइनीज में बात कर रहे हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बट बाकी लोगों को वो अंडरस्टूड ही नहीं होगा। ठीक है, दिस समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, नाउ इन द फर्दर वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट, सॉरी, सो इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं इसमें। एक्चुअली मेरे पास एलोहा दिस वन सीएसएम में सीडी इसमें अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करूं सो ये दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एंट्रेंस में चाहे गेट हो, नेट हो, DWSB हो, सभी में पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटीज में भी पूछा जाता है। ठीक है, एंड दिस वन आर लेसर इंपॉर्टेंट एंड दिस वन आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड सिमिलरली दीज आर ऑल्सो इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ये गेट के परस्पेक्टिव से ये टोकन पासिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्ट आर लाइक इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ओनली। ठीक है, सो इन द फर्दर वीडियोस वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। वेल, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।